सत श्री अकाल जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। अज नवा व्लॉग शुरू करन लगे हां, पर पिछले दो दिनां च व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि असी ग्राउंड जा रहे हैं। ग्राउंड जाण करके शुरू किया मतलब एक्सरसाइज वगैरह नूं, ते उहदे करके असी बहुत ज़्यादा थक जाने, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाने। साडियां लत्तां बाहां नहीं हिल रही, ते लत्तां बाहां ना हिलण दे कारण फिर असी उठ नहीं पाते, फिर असी डिग जाने, इसलिए ब्लॉग भी नहीं शूट किया। सो अज हैगा शुक्रवार सवेर दे 11 बजे हुण असी चले हाँ मार्केट एक दो काम करन। हरमन की दवाई लैनी है, शू फड़ के लैके आने हैं, तो हॉस्पिटल जाना है थोड़े जे काम दे लई। सो चलो मिलते हैं मार्केट वगैरह च जाके। गरीब दे बूट एक्चुअली डॉक्टर ने ना साडा करता बंद नॉन वेज बिल्कुल ही। पहला भी घट ही खाते सी पर एवं कदे खा लेंदे सी, उन्होंने कहते बिल्कुल बंद है। सो दवाई शुरू करन तो पहला मैं क्या अज खा ला मैं चंगी तरह, ठीक है, ताँ दोबारा फिर ही दवाई शुरू करा, क्योंकि मेरे आ सारी चीज़ निकल रही है हो रहे हो कहते बंद कर दो, तो मैनू वधिया लगता है। सो आप पहला दवाई शुरू करन तो पहला नॉन वेज का काम नबेड़ लीए, फिर दवाई स्टार्ट करांगे शाम नूं। मार्केट वगैरह जाके काम करके जिन्ने सीगे हुण आ चुके हां घरे, शाम दे वजे 4। सो रास्ते जांदे होए असी खा पी के पेट पूजा करके आए हैं, क्योंकि मेरा चिकन का अज लास्ट डे सी, मेरा चिकन है जिहड़ा वो डॉक्टर ने बंद कर दिता है। तो हुण एक स्कूटर है जिहड़ा वो मिस्त्री कोले ला के आया, क्योंकि वह एक दो छोटे छोटे काम कराने वाले नेगे, तो वह उत्थे लाया गा। होपफुली कल तक सैटरडे तक वह हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे नूं फिर साडा थोड़ा जिहा घूमण फिरन दा डे हुंदा है। ते बाकी ये भैन जी इत्थे बैठे ने, ये हुण दवाई आई है, ये सारी दवाई एवें डब्बियां च पाई जांदी है, ते फिर इहदे लई ईजी हो जांदा कढ कढ के, रोज़ कढ़न नालों डब्बियां च पा के रोज़ कढ कढ खाई जांदी रहिंदी है। ये बड़ा वड्डा काम है ना, भी दवाई कढ़नी भी औखी लगदी है। सो इह सीआं अज दीआं एक्टिविटीज़। 4 वज गए ने, हुण थोड़ी रैसट करके फिर शो दा टाइम हो जाएगा। सो शो करन तो बाद फिर फ्री आंगे, ते बाकी ग्राउंड वगैरह हैगा वो अच्छा चल रहा, अज असी नहीं गए, ते काफ़ी ज़्यादा थक टुट जाने, ते होपफुली हुण वेट है जिहड़ा वो डाउन कर लेंगे दोबारा, क्योंकि हुण ना एवें मूँह का पता लगता भी हाँ फैट चढ़ी हुई है, हुण तक नहीं सी लगता। ते बाकी खाण पीन ते बाहरले खाण पीन ते कंट्रोल कर रहे हैं हौली हौली, क्योंकि हुण पिछले एक साल तो मैं जिम छड्या होया, तो आदत है जिहड़ी पई हुई है खाण पीन की बाहरों। एक्चुअली मैनू कोई आदत नहीं है बाहरों खाण पीन की, ये भैन जी ने ना जेडे ये सब तो ज़्यादा चटगोरी है, ये करके फिर मैं नाल खाना पैंदा है, अदरवाइज मैं कदे नहीं कहा स्पैशल उठ के मैं खाने जाना, ये हमेशा मैं लैके जाती है। ये औरत है ना जो ये हरमन की कर रही है, हरमन व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, काला जादू सीखा यूट्यूब तो सोचे अप्लाई कर ला, तेन पता तू एवं लग रही तू एवं लग रही है भी मैं सच्ची कोई मंत्र मार के अंदरों निकलेंगी। मैं तेन क्या था मैं यूट्यूब तो अज काला जादू सीखा, ओए ब्रो प्लीज ब्रो मेरा काला जादू खराब हो गया, धुआं बाहर निकल गया तो मेरे काले जादू का। एक्चुअली इनू कोल्ड होया है, स्टीम ले रही है काले जादू दी। मार मंत्र हरमन चल मेनू गायब कर दे, ओम बूम स्वाहा, बदतमीज औरत करना आंदा नहीं, मेनू गायब करके दिखा पहला, ओए ना होवे के तो साला
मैं बोलिया पता नहीं की है कितने कोई सच्ची मंत्र होवे मेनू आके फड़ लेना। मैं तेनू की कह रहा हूं मेनू गायब करके दिखा। मैं खड़ जा मड़े एक बार करता लवा मैं पहले क्योंकि पहले सिख तो लवा करू कुछ अज रात जे बी मेरी सुनो गल जे अगले दिन सवेर मैं ना दिखा तो समझो भी हरमन ने मेनू गैब करता है काले जादू की तैयारी कर रही है इन्हें पहला नैट तो वाहवा कुछ सीखे है फिर इन्हें विद्या विद्या लई फिर इन्हें किताबा कतुबा भी पढ़िया ने ते मेनू लगता है भी ये हुण कुछ कुछ करूगी कितों तक पहुंचेगी हरमन भरावा वेखी कितने मेनू ना गैब कर दी मेरे ते बड़िया जिम्मेवारियां ने तेरिया सारिया टेंशन खत्म कर देनी गायब करके तेनू किली तो तौलिया ला के फड़ाई मैं गुड्डा बनाने बदतमीज औरत सातमी फेल बदतमीज औरत फड़ा दे नाले एक अद्धी सुई फड़ा दे ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂ ਸੰਧੂਰ ਸੰਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਸੂਈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਬੋਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਜਾ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਕੰਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਝੁੱਕਿਆ ਬਕਵਾਸ पटियाले की करना आया सी है
ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤਾਈ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਤਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਕੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੈ ਓਏ ਕਾਕੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਅਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਪਤਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਕੀ ਧੂੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨਾ ਓਏ ਕਾਕੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਦੇ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਕੂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ? ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਕੂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੈ ਓਏ ਆਜੂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਕਾਕੂ ਕੋਲੇ। ਜਾ ਜਾਣਾ ਕਾਕੂ ਕੋਲੇ? ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੂੰ? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਆਪੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਜਾਈ ਕਿਤੇ। ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਫੀ ਨੀ ਪਾਉਣੀ? ਚੀਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ? ਚੀਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੀ। ਚੱਲ ਪਾਲੇ ਜੱਫੀ, ਪਾਲੇ ਪਾਲੇ ਜੱਫੀ, ਪਾਲੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਖੜ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਖੋਲੀ ਖੋਲੀ ਯਾਰ, ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਖੜ ਜਾ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੱਭੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਛੱਡਤੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਤਾਈ ਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੇ ਅੱਜ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਾਪੇ ਬਣਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਆ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਭਰ ਗਿਆ ਕਿੱਲਾ ਕਿ ਨਾ।
ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। सेहत नहीं ठीक लगती घरों बोतल फड़ा के आनी है किन्ने पैग लाए अज बीपी चेक कराने यार चल पहला मैंने दस किन्ने पैग लाए अज डिगदी फिर काम नहीं करते फिर इन्ना डिग क्यों रही है यार सेहत नहीं ठीक मैं लगता बीपी डाउन हो गया समथिंग इज गड़बड़ गड़बड़ एक तो तेन चलाना नहीं आता साध कुछ इस हफ्ते का ब्लॉग विचो बहुत चीज़ा ने जिहड़ियां शूट नहीं हो पाई जिवें सेजल हुणी आए सी ते मम्मी नूं हॉस्पिटल वगैरह दिखा के आना सी उह चीज़ां मैं जानबुझ के शूट नहीं कीतियां ते कुछ चीज़ां परसनल भी हुंदियां ने बाकी एक शूट थोड़ा जिहा नहीं विचों हो पाया क्योंकि मेरी सेहत है जिहड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही एक दो दिनां तों एक तां सर्दी होण शुरू होण दे करके खंघ जुकाम वगैरह लग्गिया ना बाकी बीबी भी थोड़ा अप डाउन है उदे करके थोड़ी सेहत ठीक नहीं है पर इस ब्लॉग की जी क्लोजिंग है वो इतें ही करते हैं दोबारा नवा ब्लॉग जरा स्टार्ट करा सो तुसी चैनल नू लाइक शेयर कमेंट सबसक्राइब सब कुछ कर लेना वीडियोज़ वगैरह नू ते शेयर है जरा वह भी वध तो वध जरा करया करो ते मिलते हैं नवे ब्लॉग के नाल तुसी मेरी हालत तो अंदाजा लाई सकते हो गे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा सेहत का ठीक है सो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नवे ब्लॉग के नाल सो उदों तक लई बाय बाय टाटा टेक केयर सियाल आ गया सारे जने अपना अपना ध्यान रखियो कपड़े कुपड़े पा के रखियो मैं तो ठंड लवा ली है बहुत जरूरी है सो अपना ध्यान रखो मिलते हैं दोबारा फिर डू लाइक सबसक्राइब एंड ऑलसो फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज आई एम प्रभजोत सिद्धू ओके बाय बाय टाटा।